हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, ब्लाउज की चौड़ाई 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्महोल की लंबाई 5.5 है। 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए मैं गले की मार्किंग करूँगी। नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बिल्कुल बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। आप गले की देखिए लेंथ लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग लेंथ दे सकते हैं। मैं देखिए 11 इंच ले रही हूँ। 11 इंच पे मार्क करके बिल्कुल बराबर में 11 इंच पे एक मार्क करके देखिए बराबर मार्किंग करके राउंड ने मटके गले में पूरा मार्किंग कर दिया है गले की। अब जैसे मटके में मार्क किया था देखिए कटिंग कर दिए हैं गले की। अब इसके साथ में मेन फैब्रिक ब्लाउज का ले लेते हैं और ब्लाउज़ के फैब्रिक पे भी सेम गला कट करेंगे जैसे अस्तर का किया है। ये गले कटिंग हो चुकी है। दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर में रख दीजिएगा। तो अच्छे से दोनों कपड़ों को बराबर मैंने रख लिया है, पिन कर दिया। इससे बराबर आएगा गला और देखिए स्टिच करें अस्तर कपड़े को मिलाते हुए। तो गला बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली स्टिच हो चुका है। इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसे जब पलट कर सीधा करेंगे तो मटका शेप में गला बिल्कुल बराबर में आएगा। तो मैंने कट लगा दिया है, देख लीजिए। इसको पलट कर ये सीधा कर दिया। सीधा होने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगा के इसके फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। इससे परफेक्ट गला आ जाएगा। देखिए मटका गला बिल्कुल उभर कर आ चुका है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। साइड से पूरा अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं वीडियो में अस्तर कपड़े को मिलाते हुए कैसे स्टिच करें। ऐसे बराबर करते हुए पूरी स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो कम्प्लीटली मैंने ब्लाउज़ की स्टिचिंग पूरी ऑलराउंड कर दी है। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करना है तो शोल्डर के साइड से डबल फोल्ड कर दीजिएगा और नीचे के साइड जहाँ से आए फोल्डिंग वहाँ से टक्स को स्टिच कर दीजिएगा। दूसरी साइड से माप लेंगे और शोल्डर के साइड से डबल फोल्ड करके ऐसे टक्स को स्टिच कर देंगे। तो दोनों साइड से टक्स की स्टिचिंग हो चुकी है। नीचे का बॉर्डर बनाना है तो मैंने देखिए एक फैब्रिक कट कर दिया। इसको ब्लाउज के साथ में बिल्कुल बराबर करते हुए नीचे के साइड से स्टिच करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं ब्लाउज के साथ में इसको कैसे स्टिच करूँ। ऐसे बराबर में ये स्टिचिंग कर लीजिएगा। स्टिचिंग हो चुकी है पट्टी की। अब इसके ऊपर से देखिए एक सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो ये फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिए हैं। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में जॉइंट करते हुए नीचे का बॉर्डर बनाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए ये पूरा नीचे का बॉर्डर कम्प्लीटली ब्लाउज में बना दिया है। गले पे डिज़ाइन करनी है तो ब्लाउज को साइड रखेंगे और डिज़ाइन बनाने के लिए जो गले में से अस्तर कट होने के बाद निकला था उसके ऊपर मार्क करके कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर दिया। अब इसके साथ में डिज़ाइन करने के लिए बकरम लिए हैं। बकरम को डबल फोल्ड करके जिस साइड से रखें उसी साइड से डिज़ाइन रख के पूरा मार्किंग कर देंगे इसके ऊपर से। तो देख लीजिए मैंने डिज़ाइन पे मार्किंग कर दी है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क किए हैं जो स्टिचिंग में जाएगा इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने बकरम की पूरी अच्छे से कटिंग कर दिया है। साथ में इसकी ये फैब्रिक ब्लाउज़ का और अस्तर का दोनों को बराबर में रख लेंगे और ये बकरम वाला जो डिज़ाइन है इसको बराबर इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर के साइड से इसकी स्टिचिंग करनी है तो ऊपर के साइड से बिल्कुल बराबर करते पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए पूरी स्टिचिंग कर दिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे, इस पर छोटी छोटी कट लगा लेंगे। इसे पलट कर सीधा करना है तो देख लीजिए पलट कर इसको सीधा करेंगे, हाथों से प्रेस कर देंगे। डिज़ाइन बराबर में आ चुकी है पलटने के बाद। इसके ऊपर से सिलाई लगा के ये फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दी है। अब इसकी ऑलराउंड पूरी स्टिचिंग कर देंगे साइड से सिलाई लगाते हुए। तो ये ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीट ही हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे। अब डिज़ाइन मेरी ये परफेक्ट बन चुकी है। अब इसके ऊपर के साइड से पाइपिंग करना है तो इसको साइड करेंगे और पट्टी मैंने कट कर दी है, स्ट्रेचेबल है, क्रॉस में कटिंग किया था इसको। अब इसको देखिए डबल फोल्ड करके साइड से पूरा स्टिच करें, इसे पाइपिंग बनाने में इजी रहेगा। तो पाइपिंग की पट्टी ये बन चुकी है। अब इसको साइड करके डिज़ाइन वाला ले लिए हैं पार्ट बकरम का। अब इसके ऊपर के साइड से देखिए पाइपिंग की पट्टी को स्टिच कर रहे हैं। तो ये पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब बिल्कुल पतली सी इसकी पाइपिंग बनाएंगे और सिलाई लगा के पाइपिंग को पूरा स्टिच कर लेंगे।
तो मैंने देखी पाइपिंग को बिल्कुल अच्छे से पूरा बना के स्टिच कर लिया है। अब इस पर डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक पट्टी कट कर दी जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी। इसको डबल फोल्ड करके पहले साइड से पूरा स्टिच कर लेंगे। तो साइड से पूरी स्टिच हो चुकी है, इसको पलट कर देखिए सीधा कर रहे हैं। तो ये सीधी हो चुकी है, अब इसको हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे, बराबर में आ जाएगी। अब डिज़ाइन बनाने के लिए 3 इंच की लंबाई पे इस पर माप लेंगे और देखिए फोल्ड कर दिए। इसको कट करके अलग अलग कर देंगे। अब जितने पार्ट्स में इसको कट किए इसको बनाएंगे डिज़ाइन को, तो मोती ले लिए डेकोरेट करने के लिए। इस तरीके से मिड से फोल्ड करके प्रेस करेंगे। फिर यहीं से देख लीजिए निडल की हेल्प से स्टिच कर रहे हैं। ऐसे स्टिच कर लेंगे पहले, फिर इसके ऊपर मोती स्टिच कर देंगे और नीचे के साइड से टाइट गांठ लगा के बांध लेंगे। डिज़ाइन मेरा कंप्लीट, ऐसे एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, और ऐसे पूरा बना लेंगे जितने डिज़ाइन ब्लाउज़ में यूज़ में आए। तो देख लीजिए मेरी दूसरी डिज़ाइन में सेम मैं वैसे ही बना रही हूँ जैसे मैंने आपको पहली डिज़ाइन बना के दिखाई। तो ये दो डिज़ाइन मेरी कंप्लीट ऐसे पूरा बना देते हैं। तो मैंने पूरा बना लिया, इसको साइड करके डिज़ाइन ले लिए। डिज़ाइन के देखिए मिड से बिल्कुल मोती आएगी और साइड साइड से सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग करें, ऐसे बराबर करते पूरी स्टिचिंग डिज़ाइन की कर दीजिएगा। तो ये डिज़ाइन एक साइड से स्टिच हो चुकी है, दूसरे साइड से पूरा बराबर करते हुए स्टिच करेंगे। तो देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन की स्टिचिंग कर रही हूँ। कम्प्लीटली डिज़ाइन स्टिच कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे साइड से। और इसको डेकोरेट करने के लिए देखिए लेस स्टिच कर रहे हैं इसके ऊपर से। तो मैंने देखी एक साइड से पूरा ये लेस लगाते हुए स्टिच कर दिया डिज़ाइन के ऊपर। इसी तरीके दूसरे साइड से भी पूरा लेस लगा के इसको साइड रखते हुए मैंने देखिए ब्लाउज़ ले लिया। अब ब्लाउज़ के गले पे पाइपिंग करेंगे, जिसके लिए पट्टी जो बनाई थी उसको ले लिए हैं। अब गले पे इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए पूरे गले पे अटैच कर देंगे। तो मैंने पूरे गले पे इसको अटैच कर दिया है। राउंड करते हुए बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनाएंगे और पाइपिंग को सिलाई लगाते हुए पूरा अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो मैंने देखी इसकी स्टिचिंग कर दी है पाइपिंग की बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसके गले पे डिज़ाइन करना है, इसको साइड रखेंगे और मैंने देखी एक पट्टी ली। इस पट्टी को पहले डबल फोल्ड करेंगे और इसकी मीडियम साइज़ की पहले डोरी बना लेंगे। डोरी को थोड़ी लंबी बनाइएगा क्योंकि ये डिज़ाइन में डोरी की ज़्यादा यूज़ है। तो मैंने डोरी की पूरी स्टिचिंग कर दी है। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे, तो मैं निडल की हेल्प ले तो इसको पूरा पलट कर सीधा कर दूँगी। ये देखिए सीधा हो चुका है। अब इसको मैं डिज़ाइन के लिए कट करूँगी, जिसके लिए मैं इसको 8 इंच की लंबाई पे, आपको समझ में आ रहा होगा 8 इंच इसकी लेंथ लेंगे और इसी लंबाई में जितने भी इसके पार्ट्स हैं सबको फोल्ड कर देंगे। डोरी की लेंथ एक बराबर ही होनी चाहिए, इसको कटिंग करके दोनों साइड से अलग अलग कर देंगे। तो एक साइड से कट करके अलग अलग कर दिया, दूसरी साइड से भी कर दिया है। अब इसको एक डोरी लेंगे, इसको पहले 20 इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर दोनों साइड से बची हुई डोरी जो है उसका थोड़ा लूप्स बना लेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करते हुए बीच का लूप्स आपको बड़ा रखना है, दोनों साइड का छोटा रखेंगे, लेकिन एक बराबर में होना चाहिए दोनों साइड का। तो आपको समझ में आ रहा होगा दूसरा लूप्स ऐसे बना रहे हैं, बीच का बड़ा रखेंगे और साइड साइड का थोड़ा सा उससे छोटा रखेंगे, लेकिन एक बराबर में होना चाहिए दोनों साइड का। ये पूरा लूप्स बनाते हैं, इसको कटिंग कर दिए, इसको साइड रख के ब्लाउज़ लेंगे। अब ब्लाउज़ के गले पे इससे डिज़ाइन करेंगे। देख लीजिए क्लियर आपको वीडियो में समझ में आएगा। इसी तरीके से पूरे गले पे इसको अटैच करना है आपको, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और बीच में गैपिंग भी रखते जाना जिससे डिज़ाइन उभर कर दिखे। तो मैंने देखिए पूरे गले पे इसको अटैच कर दिया है। अब इसकी डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए मैं समोसे वाली लेस भी यूज़ करूँगी। ये लेस जो अच्छी लगती है इस डिज़ाइन पे, तो इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे। जहाँ से डिज़ाइन को अटैच किया सेम उसी जगह से रखते हुए लेस को पूरे गले पे अटैच कर देंगे। और जो मैंने ये लुप्स वाली डिज़ाइन स्टिच की इसके ऊपर, उसके और ब्लाउज़ के पाइपिंग के बीच में 1 इंच का आपको गैपिंग भी रखना है,
तभी डिज़ाइन अच्छी लगी थी। मैंने बड़ी वाली गोल्डन कलर की मोती ली इसकी डेकोरेशन करने के लिए। जितनी लुप्स बनी है सभी के बीच से एक मोती लगा देंगे। ऐसे पूरे ब्लाउज की डेकोरेशन कर लीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली पूरी मोती लगा दिया है जो डिज़ाइन बनाए थे। ये बकरम वाली इसको ले लिया, ब्लाउज के बिल्कुल बीच इसको बराबर रखेंगे, सिलाई लगाते हुए दोनों को एक साथ में अटैच कर देंगे। देखिए अटैच कर दिया डिज़ाइन को मैंने गले पूरा। ये मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही हैवी डिज़ाइन थी और बनाने में आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, आप इसको इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसी ब्यूटीफुल वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।